I have is टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड ऑफ ट्वेल्व मीटर ओके तुम्हें देख सकते हो दो बिल्डिंग है और फेस कर रहा है ट्वेल्व मीटर सो एक काम करता मैं पहला बिल्डिंग बना रहा हूं आई जस्ट चेंज द कलर मैं पहला बिल्डिंग बना रहा हूं हा हा क्या है ओके सो मैं सॉरी फर्स्ट कब से बिल्डिंग ही बना रहा हूं सो फर्स्ट बिल्डिंग बनाया मैंने ओके इट्स देयर ऑन द स्क्रीन फॉर यू और फिर बाद में क्या बोला देखो नेक्स्ट इज अगर तुम नेक्स्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज टेन मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी डिग्री मुझे बनाता तो तुम ना स्क्रीन पे ध्यान दो आई एम गोइंग टू मेक द सेकेंड बिल्डिंग तो ये है मेरा सेकेंड बिल्डिंग ठीक है सो सेकंड बिल्डिंग बड़ा है सो दिस माई सेकेंड बिल्डिंग आप क्या बोला देखो अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो तुम लोग देखो देख सकते फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज टेन मीटर हाई टेन मीटर सो मैंने क्या किया यहां से ज्वाइन कर दिया मैंने ओके okay? सो so, मैंने अभी यहां से यहां से ज्वाइन कर दिया सो so, अब क्या बोल रहा है

मिनट ओके यू बी ऑन द स्क्रीन, या, ओके अब मुझे क्या क्या गिवन है फिर से मैं देखो, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग अदर ऑन द रोड ऑफ ऑफ देखो ऑन रोड ऑफ वेथ ट्वेल्व मीटर ट्वेल्व मीटर इसका मतलब है कि ये दोनों बिल्डिंग के सामने हो गया और ये हो गया ट्वेल्व मीटर ठीक है टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग मतलब मेरा ये फर्स्ट बिल्डिंग है राइट right? टेन मीटर सो आई जस्ट यहा यहां पर मैं डाल देता हूँ बिल्डिंग ओके अब तुम लोग थोड़ा अच्छी तरह से स्क्रीन पे ध्यान दो सो आई एम गोइंग टू नेम दिस ऑल दिस सो यहाँ पर ध्यान दो तो ये बनेगा ए ये बनेगा बी ये बनेगा सी ये बनेगा डी और ये बनेगा ई e, ठीक है so, सो हम लोग ये काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट ठीक है लेट स्टार्ट ठीक है अब मुझे और एक चीज तुम्हें बताना है देखो सो so, हम लोग काम करते हैं स्टार्ट करते हैं, सपोज सपोज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हाँ या ना रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना एबीसीडी सपोज रेक्टेंगल राइट सो हमें मालूम है तो इसे क्या होता है देखो ये ए बी है सो so क्या हो गया देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यू ऑपोजिट साइड क्या है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रट आर कॉन्ग्रेंट ठीक है ये हो गया सो so, इसका मतलब है कि सी डी इज इक्वल टू टेन मीटर क्योंकि देखो अगर ए बी टेन मीटर है तो ऑब्वियसली सी डी भी कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा गाइस सेम कंडीशन सेम कंडीशन फॉर बी सी ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू ए डी रीजन तुम्हारे सामने ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रेंट ये दोनों सेम है इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं गाइस ठीक है अब लेस प्रोसीड फर्दर सो देर फॉर बी सी टू ए डी टू टवेल्व मीटर तो स्क्रीन पे ध्यान दो मेरा ए डी का वैल्यू ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द स्क्रीन एंड वो हो जाएगा टूवेल्व मीटर एंड वन मोर थिंग ये अगर यहां पर ध्यान दो सो दिस विल बिकम माय नाइंटी डिग्री ठीक है सो हम लोग प्रोसीड करें हो गया हमारा ऑलमोस्ट सब नाउ वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग इट ठीक है ए बी मेरा फर्स्ट बिल्डिंग है सी डी मेरा सेकेंड बिल्डिंग है और बी सी ट्वेल्व सेंटीमीटर ट्वेल्व मीटर है सॉरी सो ए डी बी ट्वेल्व मीटर है ओके okay? सो so अभी मुझे ढूंढना क्या है वॉट आई हैव टू फाइंड चलो वो हम लोग जरा ध्यान देते हैं आई हैव टू फाइंड इस

तो और चले सब सब जो-जो जो-जो मतलब है वो समझ में आया होगा नाउ आई वांट इज टू जस्ट सॉल्व इट सो लेट्स सॉल्व इट ओके मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की प्लानिंग पे बिकॉज ऑलमोस्ट डन सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मुझे ना अभी इस ट्राइंगल से ही लेना देना है कौन सा वाले ट्राइंगल से दैट इज ए डीई e. ठीक है तो मैं चाहता हूं तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो एन ट्रायंगल एंगल ए डी ई एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज गिवन ठीक है ये गिवन है बाकी का तुम लोग खुद से लिख सकते हो ए बी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग और फिर uh, Uh, फिर उसके बाद बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड बिल्डिंग दैट इज ट्वेल्व मीटर सब तुम्हारे सामने है सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट थिंग फर्दर सब कुछ तुम लोग को बता चुका है मैंने वो लिख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा चलो uh, मैं लिख दू और क्या कर सकता वही लिख देता हूँ लेट सर है ना करना पड़ता फिर लेट ए बी बी द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग सो दे फॉर ए बी यहां पर ध्यान दो अच्छे से दट इज टेन मीटर ठीक है लेट बी सी सॉरी फॉर द बैड हंड लेट लेट बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स बीसी इज इक्ल टू टीटर ठीक है गाइस अब हम लोग को देखो अभी हम लोग को मालूम है क्या देखना है ठीक so, है सो ऑलरेडी हमें मालूम है विच वी आर सींग आर सींग दिस इन ट्राइंगल हम लोग ये देख रहे हैं ए डी ई सो वट आर गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल हियर तो तुम मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन पर अच्छे से ध्यान दो तुम लोग मैंने ट्राइंगल बनाया ओके okay? सो so, ये देखो ये है मेरा सिक्सटी डिग्री ये यहाँ पर है नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री ई डी ओके सो ये है मेरा वैल्यूज ठीक है अभी वैल्यूज पे ध्यान दो तो ए इज़ ट्व मीटर यू नो हाउ वी गॉट ट्वेल्व मीटर इज मुझे अभी ढूंढना है ई डी मुझे अभी ढूंढना है ना ई डी ढूंढना है सो so, लेट्स ये नाइन्टी डिग्री के सामने वाला मैंने हमेशा क्या बोला है टीटा के सामने वाला मैंने हमेशा बोला ऑपोजिट राइट सो मुझे अभी क्या चाहिए देखो और ये है एडजस्टिट ये एडजस्ट आई ऑलवेज टोल्ड यू हमें एटलीस्ट थर्ड साइड के लिए दो वैल्यूज मिलना बहुत जरूरी है दो वैल्यूज सो so, हमारे दो वैल्यूज कहा मिलेंगे देखो फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे ध्यान दो एडजस्टेंट साइड वाले पे ट्वेल्व मीटर है और ऑपोजिट मुझे ढूंढना है राइट right? ऑपोजिट मुझे मतलब तो ऑपोजिट और छोटा. So, okay? अगर तुम लोग ने ध्यान दिया, तो टैन टीटा को देखो फिर से टैन टीटा गाइस okay, तो टैन टीटा में देखा तो क्या मिलता ऑपोजिट और एडसिन विच वी वॉन्ट हमें क्या चाहिए था ऑपोजिट और ही चाहिए था राइट हाई ना राइट right. हमें ऑपोजिट और ही चाहिए सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रब इट और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सो लेट्स सी सॉल्व इट टैन टीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड गाइस प्लीज बी ऑन द स्क्रीन एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ठीक है सो so, so, आगे ध्यान दो देर फॉर tan 60 degree is equal to now i want you to know it what was the opposite side thoda main screen ko upar kar leta hu what was the opposite side was ed barabar hai so ed yahan par screen pe ed upon and what was my adjacent side was ad ha ya na so ad kitna hai 12 meter so ad let's proceed solve let's proceed further so what is the value of tan 60 okay so tan 60 degree is equal to what is the value of ed okay मैं काम करता value वैल्यू ही पुटअप करता हूँ so tan सिक्सटी degree का value है root थ्री एंड हाउ मच इज ई डी मुझे इसको ढूंढना है और ई डी कितना है ट्वेल्व हा या ना सो लेट्स सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस के नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ओके सो गाइज वट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट दिस ईडी इज इक्वल टू टूट थ्री ठीक है वैल्यू हमें वैल्यू मिला क्या नहीं मिला बिल्डिंग क्या EC है ईसी है या ना तो तुम लोग फिर से जरा स्क्रीन पे दें दो वी मेड अपडी प्लस डी सी देखो ना इी ईडी कितना मिला मुझे अभी ट्वेल्व रूट थ्री हा या ना सो लेट्स गो फॉर द फाइनल लेट्स गो टू द फाइनल

ठीक है जस्ट सॉरी फॉर द ओके सो व्हाट देयर फॉर अभी स्क्रीन पे ध्यान दो देयर फॉर इज इक्वल टू ED कितना मिला मुझे रूट थ्री प्लस टेन मीटर गाइज द आंसर सो स्क्रीन पे ध्यान दो ईसी का वैल्यू हमें इसी का वैल्यू हमें मिल गया अगर तुम लोग थोड़ा अगर स्क्रीन पे ध्यान देते हो तो यू कैन सी दैट देखो ई सी ठीक है सॉरी फॉर द मेस तुम लोग को समझाने के लिए मैंने क्या क्या इतना एक्सप्लेनेशन किया है सो so, ध्यान से बैठ के अच्छी तरह से सोच सोच के सॉल्व विथ मी एंड प्लीज यूज द हेडसेट फॉर ऑसम एक्सट्रीम साउंड बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा माफ कर देना वेरी सॉरी फॉर दैट ओके तो इससे हम लोग क्या मिल गया हमारा वैल्यू मिल गया कि पूरा बिल्डिंग का हाइट मिल गया ओके दैट इज 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 इक्वल टू ट्वेल्व रूट थ्री प्लस टेन मीटर दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ठीक है बाय